नारा ने बता दिया है कि अभिषेक, समर्थ और ईशा का ये सब प्लान था। अब जो है खानजादी के साथ, राइडर के साथ जो है बात कर रही है मनारा। मनारा जो है काफ़ी ढेर सारी बातें करने के लिए लगी हुई है। मनारा काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है अरुण के लिए, बाबू भैया के लिए और तहलका के लिए, सना के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि भाई ये सब चीज़ें जो है आप अपना दिमाग चलाओ, किसी के पीछे पीछे भेड़ चाल में मत चलो। ये चीज़ जो है मनारा ने पहले बोल दी। अब जो है मनारा बात कर रही है और खानजादी बोल रही है कि मेरे को तो ईशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मनारा का कहना ये है कि ईशा के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, वो ना मुद्दा ढूंढते हुए घूमती है। अब पहले क्या है ना, ये जो सब चीज़ें हैं कि अब हम लोग तीनों इकट्ठे हो गए, ठीक है, अब क्या करें नेक्स्ट। इन लोगों ने पहले बोला था कि पहले मैं जाऊंगा, फिर तू जाना, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा, फिर हम थोड़ी लड़ाई करेंगे, फिर हम लोग एक हो जाएंगे। तो ये जिस तरीके से ये एक हुए हैं, ये ऐसे ही थोड़ी ना होता है, ये तो प्लान की हुई चीज़ है। एक्चुअली में ये चीज़ बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। ईशा जो है अभिषेक की गर्लफ्रेंड थी, ईशा जो है समर्थ की गर्लफ्रेंड है, पर समर्थ और अभिषेक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ईशा के ऊपर भी वो कभी कभी चिल्लाने लग जाते हैं कि ये मैटर क्या है, ये क्या प्लान की हुई चीज़ है। क्या आपको भी ऐसा लगता है जो मनारा को दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनारा और भी नज़दीक से देख रही है घर वालों को और ज़्यादातर इन तीन की तिगड़ी को। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।